बेसिक में बताया, सूक्ष्म बटन मुरली में ये नहीं है, सूक्ष्म बटन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो समझ लेना चाहिए ना। वैसे आडवाज में आने के बाद जैसे परमधाम ऊपर है बोल रहे, ऊपर का आत्मा का कोई मतलब नहीं, साकार में परमधाम होगा ना, साकार में परमधाम होगा, निराकारी आत्मा का परमधाम नहीं होगा, निराकार स्टेज हो जाएगी, निराकारी स्टेज हो जाएगी, माने शरीर सहित हो जाएगी या शरीर बिगड़ हो जाएगी, शरीर साथ हो जाएगी, शरीर साथ हो जाएगी, वो परमधाम में इधर साकार में, साकार में जो साथ हो जाएगी वो साकारी परमधाम, वो सब आत्माओं के लिए नहीं है, 500 करोड़ के लिए नहीं है, वो सीमित आत्माओं के लिए है, 9 लाख हाँ 9 लाख आत्माएं बीज रूप स्टेज धारण करेंगी, उनके लिए परमधाम यही पे रहेगा ना, अब उनके लिए रहेगा तो इससे ये साबित थोड़े हो गया कि ऊपर वाला परमधाम है ही नहीं। हाथ उठाओ।
हाँ जी सूक्ष्म वतन यहाँ ही है, तो जैसे स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं क्या, नहीं जाते, ऐसे ही वो भी है। भगवान बताता है कि आपने बताता नहीं है, भगवान बताता है ये ऐसे गुण है इस्लामी के, ये बोलती है ये क्रिश्चियन है, ये गुण बताता, ये ब्रह्मा के थ्रू बताता है, वो तो बात हो गई ना। अरे भगवान की आत्मा ने ही माँ बन के बताया ना, माँ क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकती गहराई तक। हाँ शिव बाबा देते हैं तो, और गुण अवगुण ये भी बता देता है। हाँ? अच्छा अच्छाई बुराई। हाँ? तो फिर ये कहते कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो गीत क्यों गाते हैं? इसीलिए गाते हैं कि कोई प्रैक्टिकल में आत्मा आत्मा भाई भाई बने होंगे, एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना होगा। बताइए दो दो फूल बताए, द्वैत बताया ना भगवान ने आपको, वो भी बुद्धि द्वैत होती जाएगी ना कि बाबा ये इस्लाम ये ऐसे ऐसे गुण है इसके, ये अपना धर्म का नहीं है। तो आत्माओं में सब एक धर्म की है या कुछ सीमित आत्माएं ही एक धर्म की है? तो सीमित आत्माओं के लिए बताया, बाप पढ़ाते ही है आत्मा रूपी बच्चों को, जो आत्मा पूरे बनते ही नहीं, 84 जन्म लेते ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं, उनको थोड़ी पढ़ाता है, वो तो औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा किनको होगा, जो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा, या दो दो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा? भगवान ने आकर के मुरली में बताया लक्ष्मी नारायण बुद्ध हुए, फिर दूसरी मूल्य में लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, सब तो विश्व के मालिक है, तो किसकी बुद्धि में बैठेगा बाबा, एक ये बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? दोनों अपनी बात बैठेगी, लेकिन असली बात किसकी बुद्धि में बैठेगी, उसके बाप ने ये बात झूठी बताई या सच्ची बताई? तो जो जो इसके रहस्य को समझ लेगा वही सच्चा बाप का बच्चा हुआ ना। जैसे किसी का दिल दिल से मिलता है तो जो दिल की आवाज है वो दूसरा जल्दी पहचान लेता है, सचिव में ज्यादा बात करने की दरकार नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सबके दिल एक दूसरे से मिले हुए होंगे, वो वाइब्रेशन फट से चेक कर लेंगे। ऐसे यहाँ भी जो भगवान के नजदीक रहे हैं जन्म जन्मांतर, जिन्होंने जास्ती सतो प्रधान भक्ति की है, वो बाप को यहाँ भी जल्दी पहचान लेते हैं। पहचानने का मतलब जो बात बोली अब फट से उनकी बुद्धि में सच्चा अर्थ बैठ जाता है। बेसिक वालों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता, इतने साल से 76 से लेकर के 2006 चल रहा है, क्यों नहीं बैठा? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के नजदीक नहीं है। उस जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस सदा कायम रहने वाले शिव बाबा से दूर चले गए, कन्वर्ट हो गए। भगवान बताता ही नहीं है ऐसा, विरोधाभास बताता ही नहीं, वो भगवान तो एक ही बात कहता है। उत्तर क्या देंगे? उनको समझाओ, उनको बताना पड़े कि तुम्हारी बुद्धि का फोर है, बुद्धि तुम्हारी फूटी हुई है, उसमें व्यभिचार का दोष लगा हुआ है, भांति भांति का गंध पिया है, मूत पिया है, वो निकालो बैठ के, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बाबा एक पत्नी होती है, पतिव्रता है, तब तक वो पति की बात करती है, महिमा करती है, और खुदा न खास्ता किसी और से लग गई तो किसकी बात करने लग पड़ती है, और की बात करने, ये क्या चीज उसके अंदर पहुंच गई बुद्धि में? पहले बुद्धि में वो चीज पहुंच गई या तन स्थूल शरीर के अंदर पहुंच गई? पहले खून खराब हो गया, जब खून खराब हो जाता है तो बहुत अनर्थ हो जाता है, इसलिए बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना, मनसा में आए वाचा में आए तो हल्का पाप बनता है, अगर कर्मेंद्रियों में आ गया तो स्थूल खून भी खराब
और संकल्पों का खून तो खराब पहले से ही हो जाता है। आत्माओं का एक दूसरे संस्कार नहीं मिलते है, हर आत्मा का संस्कार अपना होता है। ऐसा बताया अभी बीच में एक न्यूज बताया था टीवी में, जो जुड़वा बच्चे पैदा हुआ, अरे दोनों का मुंह से एक ही शब्द एक हिसाब से एक लोग जो भी बात करते हैं ऐसा लगता है वही आत्मा बात कर रहे, दोनों एक ही जैसा करते है। इस दुनिया में वो भी प्रूफ एक आधा ऐसे होने चाहिए जिससे ये पता लगे कि दुनिया में कोई ऐसे भी होते हैं चैतन्य पक्षी मनुष्य रूपी जो मोर जैसे होते हैं, तो सब तरह का प्रूफ चाहिए। लेकिन जो जो इस जन्म में एक ही बात बोलते हैं, अच्छा पांच पांडवों ने किससे किया तो ये यहाँ की बात है ना समझने की, यहाँ एक जन्म में ही उनके युगल जोड़े पैदा हुए हैं कि हर जन्म जन्मांतर पैदा होते रहे, ये मिसाल आ गया। और पैदा हुए थे दोनों एक साथ पैदा हुए, एक सेकंड का अंतर था तो अंतर होगा तो ये अंतर रहा। और क्या हुआ द्रौपदी को जो वस्त्र देता है वो हाँ उसका वस्त्र हरण हो गया, हाँ इसका मतलब ये है कि शिव बाबा जो है उसकी लाज रखता है। दुनिया वाले सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बनते हैं नंबर बार, कन्याओं माताओं का वस्त्र हरण करते हैं, उनको नंगा करते हैं पब्लिक के सामने, एक शिव बाबा उनको बचाता है। जो माँ काली का पार्ट है वो बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट है। संसार उसकी भर्त्सना करता है और भगवान उसको बड़ी माता का पद देता है, तो कोई युक्ति होगी तभी तो देता है कि ऐसे ही दे देता है। भगवान आत्मा को देखता है या शरीर को देखता है? आत्मा को देखता है। जब माताएं जबरदस्ती पकड़ी जाती है दुर्योधन दुशासन के द्वारा तो भगवान उनकी आत्मा की आवाज देखता है या जो तन पकड़ा जाता है उसके दूषण को देखता है? आत्मा को देखता है। जो चार है धाम वो चार दिशाओं में है, जो चार दिशाएं हैं भारत की चार दिशाओं में चार धाम स्थापन किए गए। दुग्धपाल भी मुख्य चार हैं। बारह ज्योतिर्लिंगम का बात है? बारह ज्योतिर्लिंगम की बात है। ज्योतिर्लिंगम जिन्हें ज्योति का लिंग कहा जाता है वो लिंग किसकी यादगार है? बाबा की यादगार है, बाबा होता है शिव की यादगार है। बाबा कहा जाता है साकार को, जो लिंग बना हुआ है उसमें वो साकार प्रवेश करता है जो पहले पहले निराकारी स्टेज धारण करता है। वो बारह स्तर के दिखाया गया है। हाँ जी हाँ जी, बारह शिवलिंग है और पूरे भारत में ही है, विदेश में कहीं नहीं। हाँ, जो ज्योतिर्लिंगम बारह प्रसिद्ध है वो कौन सी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति है या कोई स्थूल ज्योति है? वही बारह जो सूर्यवंश के बारह जो है वही। हाँ जी हाँ जी, और बारह की जो है महिमा जो है एक जैसी है कि अलग अलग है? अरे एक जैसी कैसी होगी? आखिरी जन्म में पहुँच करके सबकी एक ही जैसी गति होती है या अलग अलग गति होती है? गति अलग अलग होती है। ये तो बारह आत्मा हो गई शिव समान। बारह आत्माएं शिव समान बनेंगी लेकिन पहला जो है उसके समान नहीं बनेंगी, क्योंकि पहला जो है
उसमें सिर्फ निराकार शिव ज्योति बिंदु अभोक्ता ही प्रवेश करता है। औरों में प्रवेश करने के लिए बाप दादा है। अष्टदेव जो है बाबा, अष्टदेव और उसके बाद चार जो बच्चे हैं तो 12 होते हैं। और जो चार बच्चे उनमें ज्योति सुप्रीम सोल ज्योतिर्लिंग को की प्रवेशता मानते हैं? सुप्रीम सोल तो एक में ही प्रवेश करता है और बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश करते हैं। जो भी 108 हैं रुद्रमाला के मण के, उन रुद्रमाला के मणकों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। अगर सब में प्रवेश करें तो सर्वव्यापी वाली बात हो गई। एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है। एक बीज है वो एक में ही प्रवेश करेगा। तेरे को बीज नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बीज नहीं कहेंगे। वो बीज नहीं है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज एक है और वो साकार है। आत्माओं का तो वो बीज है, वो बीज नहीं है। बीज बीज को पैदा करता है, आत्माएं पैदा नहीं होती हैं। लेकिन उनको एहसास तो दिलाता है ना कि आत्मा है। आत्मा है, आत्मा का एहसास आप 500 करोड़ भी आत्मा को आप नहीं दिलाएंगे। लेकिन वो तो सिर्फ 12 को ही एहसास कराते हैं। तो 108 को एहसास नहीं कराता है? 108 को जो एहसास होता है, 107 को, वो एक के द्वारा होता है या सुप्रीम सोल के द्वारा होता है? एक के द्वारा। पहले जो एडवांस ज्ञान मिलता है वो एक को मिलता है। धर्मराज का दीपक दीपावली के अंदर एक जलाया जाता है या सारे इकट्ठे जलाए जाते हैं? पहले एक दीपक जगता है, फिर उससे अनेक दीपक जलाए जाते हैं। बताया ना कि ये जो चार भाई हैं वो चार धर्मों से कनेक्टेड हैं, उन्हीं की यादगार में ये चार धाम बने हुए हैं। और क्या उन भाइयों ने काम पूरा किया कि उनके धाम बन गए? विनाश का काम कौन सा धर्म करेगा? इस्लाम धर्म के लिए बाबा ने बोला पहले इस्लाम ही मरेंगे। जब वो पहले ही मर जाएंगे तो फिर दुनिया का विनाश कहाँ से करेंगे? नाम तो संपन्नता के बनने चाहिए ना, जैसे है संपूर्णता के काम बनने चाहिए ना, अधूरापन के तो काम बनते ही है। जिसने काम को संपन्न किया होगा उसी के काम बनते हैं ना। तो विनाश का काम करना ये काम नहीं है, है? बाप आकर के स्थापना पालना विनाश तीनों काम करते हैं कि नहीं करते? तीन मूर्तियों के द्वारा करते हैं, वो भी हकीकत है कि नहीं? हकीकत है। और तीन रथ है बाप के, वो भी है कि नहीं? तीन रथ है क्यों? टेम्पररी है, मुकर्रर है और भागीरथ की तो है, भाग्यशाली रथ भी तो बोला है। जो मुकर्रर रथ है वो भाग्यशाली नहीं है? अरे टेम्पररी रथ अगर मुकर्रर होता तो फिर टेम्पररी क्यों कहते हैं? मुकर्रर रथ अगर मुकर्रर होता तो उसको भागीरथ क्यों कहते? भागीरथ आप तीन बच्चों को तो साथ में लेके आता है, दो बच्चों को तो साथ में नहीं। तीन बच्चों को साथ में जिनको लेकर आते हैं उनके तबक्के बता दिए। ये ऊंचे से ऊंचे तबक्के का है, ये मीडियम तबक्के का है और ये नीचे ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड। और वो जो है हैं ठीक है, सबसे तो एक ही है ना। हाँ वो तो सारी दुनिया को पता है। हाँ फिर अकेले ही काम क्यों नहीं करता, सबके साथ लेकर क्यों करता है? बदल दे। हाँ सत्यनारायण एक है, 100% एक सत्य है, बाकी भी तो परसेंटेज में सत्य होंगे या नहीं होंगे? होंगे। संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबकारी संपन्न होता है जब संगठन तैयार होता है। नई दुनिया स्वर्ग बनेगी तो एक ही बना लेगा या 8 और चाहिए? है? तो संगठन हुआ ना, संगठन चाहिए। और ये कोई नहीं है बाबा, है महाराज की सजा बीमारी के रूप में होगी और बाबा की हाथ तो उठाओ। हाँ
धर्मराज की सजा बीमारी के रूप में। अरे बोला है बीमारी में पड़े रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, धर्मराज की सजाओं में कटौती होती रहेगी। धर्मराज की सजाएं तो ऐसी हैं जो पद भी नीचा कर देंगी जन्म जन्मांतर का। बीमारी में कोई सजा को काटेगा तो उसकी पद नहीं कम होगा, बीमारियां तो होती ही रहती हैं। कौन से जन्म में, 63 जन्म में कोई ऐसा जन्म होता है जिसमें बीमारी ना होती हो? वो कोई धर्मराज की सजा नहीं है। और सूर्यवंशी बच्चों में चंद्रवंशियों की परीक्षा होती है, तो ऐसी कितनी आत्माएं हैं सूर्यवंशी? जो चंद्रवंशी हैं, उनके भी बीज हैं, तो सूर्यवंशियों के भी बीज हैं। ज्यादा पैदाइश किससे होती होगी? है? अरे ज्यादा पैदाइश श्रेष्ठ करते हैं या निष्कर्ष करते हैं? जो निष्कर्ष होते हैं वो ज्यादा पैदाइश करते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं वो कम पैदाइश करते हैं। शेर को शेर जैसा बच्चा एक ही होता है, तो ऐसे ही है बीज तो बराबर बराबर है। 9 ऋषि हैं तो 9 ब्राह्मणों के गोत्र हैं, और दुनिया में 9 ही धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं नंबरवार, लेकिन उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। जो लेफ्टिस्ट बीज हैं वो ज्यादा पैदाइश करेंगे या कम पैदाइश करेंगे? ज्यादा पैदाइश करेंगे, क्योंकि विचारी बनते हैं। इसलिए सूर्यवंशियों के भी बीज उतने ही जितने चंद्रवंशियों के बीज है। और बाबा ऐसा कहा जाता है शेर अपने बच्चों को खाते हैं, शेर अपने बच्चों को खाते सांप अपने अंडों को खा जाता है। अरे कहीं खा लिया होगा, कुछ खाने को नहीं मिलता तो आदमी अपने बच्चों को खा जाता है। और लक्ष्मी नारायण को 50-60 साल में बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे कहा है मुनि ने। हाँ? और 60-70 साल भी कहा है, 60-70 साल भी कहा है। हाँ? तो 76 से अगर पकड़े 60 साल तो 36 साल है। हाँ? तो ये जन्म जो है प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं। 18 में कहाँ 60 साल पूरे हो गए? 76 से अगर 60 तक पकड़े। हाँ? तो तभी स्थूल बच्चे पैदा होंगे राधा कृष्ण। 18 में संगम युग है या सतयुग है? संगम में संगम युगी कृष्ण की पैदाइश होगी या सतयुगी कृष्ण की पैदाइश हो जाएगी? स्थूल जन्म 18 में नहीं होगा। राधा कृष्ण का जो है स्थूल जन्म 18 में नहीं होगा। बाप बेहद का बेहद की बातें समझाते हैं या हद की बातें समझाते हैं? बेहद की बातों का शास्त्रों में गायन है या हद की बातों का शास्त्रों में गायन है? और आगे बताया है 2036। अब एक आदमी को बोल लेने दो, वो समझू है। आप बेसमझ हैं तो आपकी बात का जवाब क्यों देना? हाँ लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, ये समझदार है, ऐसे बताया ना। वो मुरली जो है वो कब की है? अभी की वो उन्होंने मनमत नहीं किए, चित्र देखा नहीं है उन्होंने कि उनके हाथ में मुरली है। राधा किशन के हाथ में मुरली है, वो देखा नहीं तो बुद्धू कैसे हो गए? मुरली होने से बुद्धू होते हैं? पीछे संपन्न रूप दिखाया है उनका, पीछे उनके भलाई है, संपन्न रूप दिखाया है लक्ष्मी नारायण को, जो नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो संपन्न दिखा है, उनके हाथ में मुरली नहीं है, मगर जिनके हाथ में मुरली है वो अभी प्रैक्टिकल में
पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है जहाँ मुरलियाँ नहीं होती है, उसके ऊपर नहीं चलती वहाँ। ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लिखत को देखो पढ़ो। और नीचे देखो ईश्वरी संदेश में 10 वर्ष में भारत से वो चित्र के बाहर लिखा है, राधा कृष्ण के नीचे लिखा है ना, जो चित्र के अंदर लिखा है वो पढ़ो, वो नीचे का भी पढ़ना चाहिए ना। की बात बाद में करो, पहले चित्र की बात पहले करेंगे, इसका जवाब दिया। वो तो चित्र के बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिखा है तो लिखा क्यों है, लिखा तो अभी तो नहीं था ना, 66 से लेकर 76 10 साल के राधा कृष्ण के बारे में लिखना चाहिए ना, उनके अंदर से भ्रष्टाचार अधिकार लक्ष्मीनारायण के बारे में क्यों बताया। जो राधा कृष्ण है संगम युगी वो ही वास्तव में लक्ष्मी नारायण है संगम युगी, इसीलिए लिखा हुआ है। तो मुरली तो संगम युग में ही चलती है ना, सतयुग में तो नहीं चलती है। नहीं नहीं, वो जो प्रकाश का बल है चारों तरफ दिखाया गया है वो नारायण का सच्चा अर्थ है, उनका घर ही कहाँ है, आयन माने घर, नार माने जल, उनका घर कहाँ है, ज्ञान प्रकाश ही उनका घर है, और जो सतयुग में पैदा होंगे उनको वो बल है प्रकाश का नहीं दिखाया गया। कलयुग के बीच में मॉडल तैयार करता हूँ, हाँ बोलते हैं ना, तो संगम युग पर है। हाँ तो संगम युग कलयुग के बीच में तो उनका चित्र है। हाँ चित्र है, लेकिन वो ज्ञान के प्रकाश की दुनिया में है। तो ज्ञान के प्रकाश में है तो अभी का टाइम है ना। हाँ ज्ञान के प्रकाश में जो दिखाया गया है 76 से वो ज्ञान से समझने की बात है, स्थूल कृष्ण की बात नहीं है, और वो लिखा हुआ भी है। सतयुगी महाराज कुमार क्या लिखा है, और आगे बाबा 2018 में जन्म की बात की है, 7 साल पूरे होते हैं जो मुरलिम बोला वहाँ, माना सतयुग में जब 7 साल की उम्र होगी तब बच्चे पैदा होंगे। बाबा ने कहा कि संगम की बात करते हैं ना, नहीं दोनों की बात बताते हैं, मुरली में बोला है ये लक्ष्मी नारायण को बुद्धू है, कहाँ की बात बताई, तो सत्यु की बात नहीं बताई, तो फिर मुरली में बताया ये लक्ष्मी नारायण तो समझू है, तब तो विश्व के मालिक है, तो संगम की भी बात बताते हैं और सत्यु की भी बात बताते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दोनों तरह के हैं, सूर्यवंशी भी हैं और चंद्रवंशी भी, चंद्रवंशी चंद्रवंशी की बात उठा लेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा उठाते थे, और जो सूर्यवंशी होंगे वो सूर्यवंशी की बात उठा लेंगे। अब एक आदमी बात कर रहा है, बात बोला हाँ। मुनि की आत्मा की आत्मा थी आकर मूर्ति उसकी आत्मा बढ़ती है नहीं, उनको मनन चिंतन मंथन की ताकत होती है क्या, उनको मनन चिंतन मंथन को ही सूक्ष्म मतन कहा जाता है या कोई अलग से मनन सूक्ष्म मतन है, जो आत्मा की स्टेज है वो ही सूक्ष्म मतन है। और दादी तो सिर्फ है एक दो कोई बताया है, दीदियाँ तो ढेर हैं, जो यज्ञ के आदि में थी उनके लिए बोला। और हाँ गेहूँ की रोटी खा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, है? गेहूँ खाने से ज्यादा गर्मी चढ़ती है या मक्का खाने से ज्यादा गर्मी चढ़ती है, चावल खाने से चढ़ती है, है? उत्तर भारत के लोग क्या खाते हैं और दक्षिण भारत के लोग क्या खाते हैं, दक्षिण भारत के लोग चावल खाते हैं ज्यादा और उत्तर भारत के लोग गेहूं खाते हैं, ज्यादा भिखारी कौन बनते हैं। और बच्चों को बाबा का जो जवाब आता है, बच्चों को जवाब जो आता है बाबा का, हाँ वो बाबा भाइयों को लिखते हैं शिव बाप के, शिव बाप लिखते हैं बाबा, शिव बाप लिखा पट्टी करते हैं, धर्म पिताएं आए उन्होंने लिखा पट्टी की क्या, है
अरे बाप डायरेक्ट सुनाते हैं या लिखा पट्टी करते हैं? अरे निमित्त से लिखते हो हाँ, तो शिव बाप के अति लाडले भाई को हाँ, और माता शिव बाप के अति लाडले भाई भी होते हैं ऐसा लिखते हैं शिव बाप के अति लाडले हाँ बच्चे होते हैं लाडले भाई थोड़ा ही होते हैं शिव बाप के शिव बाप के लिखते हैं और माताओं को शिव बाबा के लिखते हैं शिव बाप और शिव बाप अलग अलग शिव बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप उसका नाम शिव ही है वो कभी बदलता नहीं जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा भी बनता है शिव साजन भी बनता है बाबा माने ग्रैंडफादर ढेर सारे संबंध शरीर में आने के बाद बनते हैं या आत्मा आपके बन जाते हैं शरीर में आने के बाद बनते हैं बाप को संग अभी तक वो पॉइंट चल रहा है बुद्धि में घूम रहा है है शिव बाप के भाई नहीं शिव बाप के अति लाडले बच्चे और माता को शिव बाबा के लिखते हैं शिव बाबा ऐसा शब्द आता है आदि में हाँ नाम का कोई संबोधन करते वक्त हाँ शिव बाप और माताएं साकारी बुद्धि वाली होती हैं या पिताएं साकारी बुद्धि वाले होते हैं है? श्रद्धा विश्वास भावना जो है वो शरीर के साथ होती है या बिंदी आत्मा के साथ होती है भावना नहीं होती है इसलिए टाइटल मिल जाता है दुर्योधन दुशासन सब पुरुष दुर्योधन दुशासन चाहे राम और कृष्ण ही क्यों हो नंबर वार उनमें भावना नहीं होती उतनी पक्की और कन्या माताओं में पक्की भावना होती है और जो है नंबर नहीं देते माँ बाप दो नंबर में माँ बाप लिखते हैं कोई माँ बाप नहीं नहीं बाबा जो हाजिर रजिस्टर में पहले लिखते वक्त माँ एक नंबर बाबा दो नंबर और कई के ऐसे नंबर नहीं देते बाबा अरे दुनिया क्या करती है उससे उसे क्यों देखना है क्या देखना है दुनिया को देखना है या बाबा को देखना है दुनिया की बातें दुनिया की तो दुनिया भी तरीके की ढेर बातें बातों में जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा तो सही अरे तुम्हें बाप की बातें नहीं दिखाई पड़ती बाप क्या लिखता है बाप अपने को आगे करता है या माँ को आगे करता है आगे पीछे की बात नहीं नंबर देना चाहिए तो जो आगे नंबर तो वो नंबर एवन हो गया जिसका बाद में नंबर नंबर दो का हो गया सारी दुनिया नंबर दो की है तो नंबर दो वाले किससे सुधरेंगे नंबर दो वाले से सुधरेंगे और हाँ जी है रावण संप्रदाय वालों को रावण संप्रदाय ही मारने के निमित्त बनेंगे या राम संप्रदाय निमित्त बन जाएंगे वही बनेंगे वो ज्यादा रहस्य को जानेंगे जो अंदर घुसे हुए होंगे या जो बाहर वाले होंगे वो ज्यादा रहस्य को जानेंगे तो विभीषण को राज्य मिलता है और अब विभीषण को रावण से राज्य मिला हाँ तो रावण हाँ विभीषण को रावण से राज्य दिया रावण ने दिया जब राम ने दिया तो राम का राज्य हो गया कि रावण का राज्य हो गया और हाँ कोई भी खाना खाओ उसमें यूरिया तो पड़ेगी यूरिया माने यूरिन से बनी हुई तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे चाहे गेहूं हो कोई भी अनाज हो कीड़े बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं बढ़ रहे हैं तो तामसी अन्न बनेगा या सात्विकी बनेगा सात्विकी तब बनेगा
जब पैदाइश करते समय ही उसमें सात्विक आहार डाला जाए, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। और बाबा जी चैतन्य महाराज लेटा हुआ है और खड़ा हुआ ब्रह्मा खड़ा हुआ दिखाया है, ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है, ब्रह्मा भारत है। आप पहले सुन तो लीजिए। अरे तो आप जो कहेंगे उसका जवाब नहीं देंगे, पहले आप सुन लीजिए। सुनेंगे नहीं पूरा, तुम पूरी रामायण कथा कर जाओ फिर हम इकट्ठी कैसे बताएंगे। और ब्रह्मा कुमारियां भी ऐसे ही करती थी। पहला पाठ पढ़ाएंगे, कोई प्रश्न करेगा, आप पहले तू सात दिन सुन तो लीजिए। अरे सात दिन सुनेंगे तब तो तुम्हारी पूरी गाथा हो जाएगी। हम एक एक को लिखते फिरें क्या? आपके पास इसका जवाब नहीं है? जी साथ साथ जवाब देते जा रहे हैं। आप बोलो। जो चैतन्य भारत लेटा हुआ है उसके बाजू में जो खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ वो भारत है या विदेशियों को फॉलो करने वाला है? वो क्या है? वो कभी की शूटिंग है, हम वो पूछ रहे हैं आपको। अभी की संगम युग की? हाँ, तो 69 की तो शूटिंग नहीं है क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो थे ही नहीं। 69 की तो ये शूटिंग नहीं। 69 से पहले ब्रह्मा बाबा था या नहीं था? पहले था, तभी तो राम जब था, जब था तभी के चित्र बनाए जाएंगे, तभी की मान्यता होगी या बाद की मान्यता होगी? है हिंदी भाषा जो है हाँ सबसे सरल भाषा है ना? हाँ जी। तो मराठी भाषा भी जो है हिंदी से रिकॉर्ड में मिलती जुलती है सबसे जाती है। मिलती जुलती तो है, लेकिन देश जो है वो दक्षिण भारत के नजदीक है मराठा या उत्तर भारत के ही नजदीक है या दोनों के नजदीक है? है दोनों का संगम है। दक्षिण भारत की राजधानी कौन सी मानी जाए? बम्बई। और बाबा जो शास्त्र में लिखा था ना हनुमान ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी जी, किंतु उसका जो है रामायण में पुत्र दिखाते घटोत्कच है, घटोत्कच हनुमान का पुत्र थोड़ा ही था है, घटोत्कच भीम का पुत्र था, शास्त्र में ऐसा दिखाया है। और तो सौगात है, ज्ञान रत्नों की सौगात लाए हैं, स्वर्ग की सौगात लाए हैं। कोई तो 84 जन्मों का स्वर्ग भोगता है, 83 जन्मों का स्वर्ग भोगता है, कोई 21 जन्मों का भोगता है, कोई आखिरी लास्ट जन्म का त्रेता के अंतिम जन्म का ही स्वर्ग का सुख भोगेगा। तो सौगात लाए है ना, वो सौगात कोई कम कीमत की कोई ज्यादा कीमत की है ज्ञान रत्नों के आधार पर। और मुझे ना है कि अंत तक अनेक धर्म की सभी धर्म की आत्माएं उतरती रहेंगी, ये अंत तक माना कहाँ तक की बात कर रहे हैं? अंत तक माना जब तक 750 करोड़ जनसंख्या पूरी ना हो जाए तब तक। तो वो कब तक आ जाते हैं? लगभग कौन से समय तक आ जाते हैं? कौन से समय तक? 2036 जो है 7 दिन में, तो बाबा ने बताया आखिरी के 7 दिनों में पूरा पूरी तरह से विनाश होगा। जब पूरा विनाश हो जाएगा तब जाएंगी सब वापस परम धाम। उस समय जो आखिरी आत्मा जब उतरेगी वो उतर के क्या करेगी? उतर के बस यही करेगी, आई गई। मच्छर क्या करते हैं? जो रात में पतंगे आते हैं वो क्या करते हैं? एक ही रात में ढेर पैदा हो जाते हैं, एक ही रात में खलास हो जाते हैं। साकार को याद, साकार में निराकार को याद किए बगैर पाप भस्म नहीं हो सकते। तो बाबा ने बोला बाबा कह रहे हैं कि तेरी जिंदगी में जिंदगी याद आएगी। हाँ? वो जो साकार पाठधारी है हाँ? वो एक दिन निराकार को याद करते हैं। निराकार को कहाँ याद करता है? अरे सवाल ये है याद कहाँ करता है, किसमें याद करता है?
हाँ बिंदी ही याद आएगी, लेकिन बिंदी किस में याद आती है उसे, फिर वो ज्यादा सहज है कि किसी दूसरे में याद करना ज्यादा सहज है। और आप जो है वो हर प्रकार की हर प्रकार का पार्ट बजाता है, छोटे से छोटा भी पार्ट बजाता है, बड़े से बड़ा भी पार्ट बजाता है, अच्छे से अच्छा राम का भी पार्ट बजाता है, बुरे से बुरा रावण का भी पार्ट बजाता है। बाबा ने बोला मैं बाप गुरु और सदगुरु बन के आता हूँ, तो गुरु का जब पार्ट बजा, सदगुरु बन करके नहीं आता है, 36 में सदगुरु बन के नहीं आया, पार्ट बजाते हाँ टीचर बन करके नहीं आया, बाप गुरु सदगुरु का पार्ट बजाते हैं, बजाते हैं आगे पीछे। हाँ बाबा जब गुरु का पार्ट बजाते हैं, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि गुरु लोग जो है वो जो है साहूकार को नजदीक रखते हैं, तो युक्ति 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 क्या होती है, साहूकारों को आगे रखते हैं, युक्ति युक्ति नहीं मिलता, ऐसा होता है क्या, तो युक्ति किस बात की, इसमें बाबा ने कहा माने कोई अगर मकान देता है, सुनो बाबा को कोई लाखों रुपए का मकान दे देता है, ऑफर कर देता है, तो उसके साथ से क्या जैसे गुरु लोग लिपट के रह जाते हैं ऐसे लिपट के रह जाता है क्या, ऐसे नहीं, तो फिर कैसे है, बाप जो है कदर करता है गरीबों का ही, साहूकारों को नहीं देखता, लेकिन जब गुरु का पार्ट आता है, क्योंकि बाबा ने बोला है अंदरूनी प्यार बाहरूनी प्यार, इसमें भारी अंतर है। हाँ तो अभी अभी गुरु का पार्ट है या नहीं है, अभी तो टीचर का पार्ट है, अभी टीचर का पार्ट है, अभी भी समझाने दे रहे हैं, हाँ गुरु का पार्ट है कहाँ चल रहा है, सदगुरु का एक गुरु तो कहना ही नहीं चाहिए, सदगुरु को भी निराश कर, हाँ का पार्ट चल रहा है, हाँ बाबा टीचर का जो पार्ट चल रहा है, बाबा जी जैसे आज मोदी ने कहा तो युक्ति साहूकारों को जो है आगे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि साहूकारों से काम करा के लेना है, तो इस हिसाब से साहूकार जो है वो इस चक्कर में बेवकूफ बन जाते हो, हाँ वो तो आई बेवकूफ बन किया जाते हैं, जो साहूकार होते हैं जिनको धन का नशा रहता है, प्रभुता पाए काहे मद नाही, जिसको कोई चीज की प्रभुता हासिल हो जाती है, कुर्सी हासिल हो जाती है, तो उसका नशा करता है कि नहीं, तो ऐसे ही जो साहूकार है उनको नशा रहता है, जो नशा होता है फिर वो अहंकार भगवान के सामने दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे जाते हैं, ये हम के लिए भी बोला है बाबा, है पाए गाड़ी हाँ, तो ये कब की बात है, रामली आत्मा की, ये कब की बात है, कब की बात है, ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो, हाँ तो कभी तो पार्ट बजाया होगा, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, तो साहूकार प्रजा वर्ग में होता है या राजा वर्ग में होता है, प्रजा वर्ग में होता है, वो सब तरह का पार्ट बजाता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसकी नाक मुंह पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, बाबा साहूकार लोग गरीबों को नौकरी पर रखते हैं, हाँ तो वो और गरीब बाप आकर के गरीबों को साहूकार बनाते हैं, बना देते, तो दोनों में तो बड़ा भारी अंतर हो गया ना, और क्या जो बाप का पक्षधर रहेगा, बाप का जो पक्षधर रहेगा वो साहूकार बन जाएगा गरीब से, अगर पढ़ाई कम पड़ेगा तो साहूकार बन जाएगा, और जो कम पढ़ाई पड़ेगा उसको ही बाप जो है उससे ही मदद लेते हैं, हाँ माना जो ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं वो कम मददगार बनते हैं, बाप मदद लेते हैं साहूकारों से, साहूकारों से मदद लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं एवर लास्टिंग मदद लेते हैं, और बाबा ने कहा माया बेटी को डायरेक्शन मिला है कि जो मेरी कीमत पर नहीं चलते हाँ फटकाओ, तो माया बेटी जो है वो एक ही डायरेक्शन पकड़ती है क्या, भगवान का जो एक डायरेक्शन उसे मिला हुआ है जो खास उसको ऊंचे ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पहुंचा देता है, किसी को कोई खास काम दिया जाए वो खास काम में दक्ष होकर के काम करे,
और जो सामान्य काम है उनको उतना ज्यादा ध्यान न दे तो मालिक उससे खुश होगा या नहीं होगा है? तो फिर ये बाप है माया बेटी है अब्बल नंबर बेटी है हटकाने का काम वो अच्छा कर रही है। हटकाने का काम किसके लिए किसके लिए कर रही है? श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके लिए फटकाने का काम करती है। अब तो सरस्वतीमान का टाइटल लेती है जगदम्बा क्यों नहीं ले लेती? बाप के लिए भी ये बात कहा गया है। हाँ हाँ बाप तो है ही मास्टर सरस्वतीमान मास्टर सरस्वतीमान अंतर है। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में पास हो जाए। सेवा कोई प्रैक्टिकल करता है क्या? सेवा करता है या करता है? करता है। अरे तो जड़ों ही तक पहुँचे है तो एडवांस पार्टी तक पहुँच ही नहीं पाए। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? एडवांस तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? एडवांस तक पहुँचे या नहीं पहुँचे या पहुँच करके फिर पीछे भाग गए? अरे बोलो तो। छह तारीख की अरेस्ट वाणी ने बताया है प्रकाश पड़ी जाएगी। हाँ ब्रह्मा बाबा ने स्थूल शरीर नहीं लिया सूक्ष्म शरीर होगा तो है हमेशा सूक्ष्म शरीर रह करके गुलजार दादी में ही प्रवेश करते रहते हैं क्या? आप ही जैसा होगा बोलता चालता देखता गुलजार दादी तो देखती नहीं जन्म लेंगे। अरे संगमी की चर्चा का जन्म होगा कि नहीं होगा? तो फिर और स्वर्ग और वैकुंठ अलग शब्द वैकुंठ अलग शब्द है ना अलग अलग है। स्वर्ग का मतलब तो ठीक है लेकिन वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वैकुंठ का मतलब ठीक नहीं है मतलब क्या है? देवान वैकुंठ आ जाता है क्या? देवान जो है मिनिमाइज ही नहीं हो जाता है खलास हो जाता है। और हाँ जी और कृष्ण वाली आत्मा तो सभी को जन्म देने वाली है। कृष्ण वाली आत्मा चंद्रवंशी है सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी है। जो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाए तो चंद्रवंशी कहेंगे सूर्यवंशी कहेंगे? चंद्रवंशी कहेंगे। तो चंद्रमा जो चंद्रवंशी है त्रेता युग में उनसे कौन से धर्म का जन्म होता है? हाँ जी उनकी राशि मिलानी चाहिए ना है कृष्ण और इस्लामी की राशि मिलानी। नहीं 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 ऐसा होता नहीं। क्राइस्ट की राशि इसलिए मिलाते हैं कि दुनिया में हमेशा हर धर्म के दो छेड़े हो जाते हैं। क्या दो छेड़े? जैसे बौद्धी में हीनयान महायान हो जाता है, मुसलमानों में इस्लाम और मुस्लिम हो जाता है। ऐसे ही जब बाप आते हैं तो जो फेलियर ग्रुप है उस फेलियर ग्रुप से भी दो प्रकार के निकलते हैं, एक बौद्धी और दूसरे इस्लामी, फिर उनसे दो और निकलते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। जो नंबर दो का माल है वो नंबर दो ही पैदा करेगा या अव्वल नंबर पैदा करेगा? फेल तो कृष्ण की भी आत्मा होती है और फेल राम की भी आत्मा होती है, लेकिन पास होने में भी अंतर होता है और फेल होने में भी अंतर होता है। इसलिए राम पावरफुल है या कृष्ण पावरफुल? कृष्ण ज्यादा पावरफुल है, बाप ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो पावरफुल बाप है उससे पावरफुल धर्म जन्म लेगा या कमजोर धर्म जन्म लेगा? इसलिए राम को दिखाते हैं दो बच्चे पैदा हुए, कौन कौन? लव और कुछ पैदा हुए। उन दोनों में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ और अरे कुछ जो है कांटा लगाने वाला है और लव फिर भी लव करने वाला है। देवान का लव करता है तो भी लवलीन है और वो तो
जिससे लव करता है उसको ही कांटा लगा देता है। और बौद्ध धर्म वाले तो धर्म तो सहयोगी है ना, माँ बाप भी सहयोगी है ना। हाँ, वो हमेशा सहयोगी रहते हैं, या विधर्मियों के पंजे में भी आ जाते हैं। हम तो बौद्ध हो गया, आपसे सत्ता आई है तो उसमें क्या होगा है? बौद्ध धर्म के हाथ में सत्ता है तो वो ही होने वाला है जो बौद्धियों ने किया है। बौद्धियों ने कन्वर्ट होकर के क्या किया, खुद दास दासी बने और दूसरों को बनाया या नहीं बनाया है? बनाया ना, तो ऐसे यहाँ भी करेंगे। और बाबा सतयुग में सतयुग में शुरुआत में जनरेशन कितनी होगी? आपने पहले बताया बाबा ने 900,000 होगी, अभी जब 2018 में संगम युग भी कुछ नहीं प्रत्यक्ष होगा क्योंकि 2036 तक 900,000 हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं होंगे? कैसे होंगे? क्यों 900,000 सितारे आसमान में नहीं चमकेंगे संसार के सामने? अरे प्रवेश करने वाली आत्माओं को और जिनमें प्रवेश हुआ है उनको दुनिया पहचानेगी नहीं। अगर प्रवेश करने वालों को दूसरे धर्म के लोग नहीं पहचानते हैं तो उनमें फरिश्ताओं को इतनी मान्यता क्यों है, देवताओं को इतनी मान्यता क्यों नहीं है? हाँ जी, बीज रूपी प्रवेश करने वाले नहीं है। और चंद्रवंशी प्रवेश करती है लेकिन इस्लामी बौद्ध जी क्रिश्चियन धर्म के नहीं प्रवेश कर सकते। यहाँ पे जो है उनको संकरण जो लगता है इनको एक धर्म में तो एक जन्म में तो नीचे गिरते ही है ना। वो कौन अष्टदेव है पक्के सूर्यवंशी? हाँ, तो एक जन्म नीचे गिरना और 63 जन्म के शुरुआत से ही नीचे गिरना, उसमें धर्म का अंतर नहीं पड़ जाएगा? संकरण वो लगता है, संकरण जो है ना। हाँ, तो लगता है आखिरी जन्म में लगता है। माया आखिरी किसी को छोड़ती है क्या है? वो ये अहंकार कर सकता है कि हम माया से हमेशा विजयी बनते हैं, कभी हारेंगे नहीं, कोई नहीं। तो ऐसे ही वो आठ का भी हिसाब है, अंत में वो भी हार जाते हैं। आखिरी जन्म में तो ज्ञान में आ जाते हैं। वो तो शूटिंग पीरियड की बात है, शूटिंग पीरियड में ही सारा रोल चलता है ना। हाँ, शूटिंग पीरियड में जो अज्ञानता का भी रोल चलता है तो ज्ञानी बनने का भी रोल चलता है। हाँ। 76 से पहले ज्ञान में आ जाते हैं, बाद में आ जाते हैं। ओके, और ईश्वरीय मत और देवताई मत दोनों में अंतर है या क्यों नहीं अंतर होगा? जो 7-8 नारायण है वो देवता बनने वाले हैं नंबर वार, या ईश्वर है? है देवता है, तो उनकी मत में और शिव बाबा की मत में अंतर होगा या नहीं होगा? तो बाबा 740 में बाबा ने बताया अभी या तो ईश्वरीय मत पे चलना या देवताई मत पे चलना, ऐसा क्यों बोला बाबा ने? ऐसे बोला चाहिए कि अभी ईश्वरीय मत पे चलना है हल्का बनने के लिए। हाँ, अभी ईश्वरीय मत पे या देवताई मत पे चलना? हाँ, माने आसुरी मत पर नहीं चलना है। और हाँ बोल लेने दो, बोल। हाँ, यहाँ संगम युग में बिंदी लगाते हैं आत्मा की, लगाते हैं तो यहाँ शूटिंग की है तो वहाँ कैसे लगाएंगे? हाँ, भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं ना, पहले दूसरे दूसरे किसी के भी भक्ति करते हो, किसी की भी भक्ति करते हो, लेकिन साक्षात्कार शिव बाबा ही कराते हैं। हाँ, बाकी दूसरे की भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार शिव बाबा क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि कम से कम भक्ति में तो संपन्न हो जाए, ज्ञान तो बाद में लेंगे लेकिन भक्त तो बन जाए, भक्ति तो पूरी हो जाए। बिना भक्ति पूरे हुए ज्ञान मिल जाएगा क्या? भक्ति की है। हाँ, उन्हीं द्वारा ज्ञान उठाएंगे वो है जिंदा अभी। त्रेता युग में रामराज क्या गाएंगे? है मतलब त्रेता युग जो है वो रामराज, तो सत्यु का गायन क्यों है रामराज?
सचयुग का राम राज्य क्यों गए नहीं, क्योंकि राम की ही आत्मा सचयुग की स्थापना संपन्न कराती है प्रैक्टिकल में, इसलिए सचयुग को राम राज्य कहा जाता है। ये कैसे भी आत्मा कराती है सचयुग की स्थापना? अरे सत्य कृष्ण वाली आत्मा है या राम वाली आत्मा है? पाप तो किनारे छोड़ के चला जाता है, ऐसी बात करते क्या? पाप तो किनारे तक छोड़ के चला जाता है। किसको? वो सचयुग में आता नहीं। कौन सा बाप? निराकार बिंदु बाप या निराकार में साकार बाप? जो आप समझो, आप क्या समझो तो बताओ। नहीं बताएंगे आप, जो विधर्मी होंगे वो निराकार को ही पकड़ेंगे, और जो स्वधर्मी होंगे वो साकार में निराकार को, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग के, और वो निवृत्ति मार्ग के, वो यहाँ संगम युग में भी निवृत्ति मार्ग को प्रेफरेंस देंगे। छोड़ो छोड़ो और भागो। और दादियाँ नारायण बनेगी, सब दादियाँ नारायण बनेंगी, और दादा ही नारायण, सब नारायण और सब दादियाँ नारायण बनेंगे क्या? हाँ, जिन्होंने संकल्प किया होगा, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों के संकल्प से सृष्टि नहीं रची जाती है क्या? तो दादी ने जैसा संकल्प किया होगा वैसे बनेंगे। तो बीज रूप क्या बनेंगे? बीज रूप क्या बनेंगे? उनके भी बाप बनेंगे, और यहाँ संगम युग में बाप बनते कि नहीं? और क्या, माँ वो बच्चे बनेंगे, वो बाप दादे परदादे बनेंगे, दादे परदादे बड़े या बच्चे बड़े? दादे परदादे बड़े हो गए। हाँ बाबा, जो शंकराचार्य की सोच है ना, शंकराचार्य की सोच ने किसी राजा ने प्रवेश किया था, हाँ वो जो जिम्मेदारी था उसमें तो ऊपर से आने वाली सोच ने प्रवेश किया था। हाँ ऊपर से आने वाली सोच ने प्रवेश किया था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजा में प्रवेश किया तो ऊपर से आने वाली सोच ने उसने प्रवेश किया था या साकार ने प्रवेश किया था? नहीं, वो आत्म की स्टेज ऐसी थी कि उन्होंने कोई राजा में प्रवेश कर लिया थोड़े समय के लिए। हाँ जी है? ये भक्ति मार्ग में इसलिए दिखाया गया है ताकि जो असली शंकराचार्य वो सेवाचार्य है वो साबित हो जाए कि जो सेवाचार्य है वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो हो गया शंकराचार्य असली, और वो शंकराचार्य ही राजाओं में प्रवेश करता है और में प्रवेश नहीं करता। हाँ ये तो राज्यों की निशानी है ना बाबा, ये सब जो राज्यों द्वारा प्राप्त होती है। क्या राज्यों द्वारा? शरीर से निकल कर किसी और के शरीर में प्रवेश, माने जितने भूत प्रेत होते हैं शरीर धारण किया हुआ। हाँ तो भक्ति मार्ग का शंकराचार्य और ज्ञान मार्ग का शंकराचार्य कुछ सामने होगा या नहीं होगा? होगा। तो बस वही सामने है, वो जो ऊपर से आई जो जितने भी साधु संन्यासी है उनमें सबसे जास्ती सतो प्रधान योगी किसे कहेंगे? पहले को कहेंगे। और बाबा बोला है ब्रह्मा कुमारी में ताकत नहीं है शंकराचार्य को बोलने की। हम्म, तुम बोल रहे हैं चार चार शादियाँ करो। हाँ तो वो कहने की तो ये बेसिक वाले अध्यक्ष शंकराचार्य को बोलने की ताकत नहीं है, अभी बेहद में कोई बात नहीं। जो हद में है तो बेहद में नहीं है, है? वो ब्रह्मा कुमारी या शंकराचार्य को कहने की ताकत रखती है? अभी तो उन्होंने सर्वव्यापी वाली बात भी उनके सामने समझाना बंद कर दिया, ये गहराई की बात उनको कैसे सुनाएंगे? हाँ जी, वो जानती नहीं है एक व्यापी है या नहीं है, तो दूसरों कैसे समझाएंगे? और अच्छा, जो 63 जन्म में पाठ बजाते हैं द्वापर युग से जो है उनका युद्ध शुरू होता है विधर्मियों के प्रति, विधर्मियों के खिलाफ अष्टदेव जो सूर्यवंशियों का जो है युद्ध शुरू हो जाता है, तो आखिर जन्म में जब कन्वर्ट हो जाते हैं वो अलग अलग धर्म में, अपने अपने धर्म में अलग अलग धर्म में जाकर वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो कोई ना कोई तो चीज आधार बनी होगी ना उनको कन्वर्ट करने की, तो उस समय का जो है बाबा, तो जो विधर्मियों ने कोई बीज बोया था उनके बुद्धि में
जो आखिर में जाकर वो फल देता है ठीक है। मना कोई ना कोई मना वो हर एक आत्मा जो अष्टदेव जो है हर एक उन आत्माओं के कॉन्टेक्ट में आती होगी। अष्टदेवों में जो पहला देवता है वो किसी के प्रभाव में आता है क्या? तो आज से क्यों कहते हैं उनको हटाकर जो सात है जो अलग अलग उसमें प्रभाव में आ जाती है जरूर उनमें बीज वो बोई गई है विधर्मी पंखा शूटिंग पीरियड में शूटिंग पीरियड में वो विधर्मी पंखा बीज बोया गया है लास्ट टाइम में। हाँ मैंने इस जो शूटिंग पीरियड शूटिंग पीरियड के लास्ट एंड मौके पर तो बीज पर तुरंत देता है। अब क्यों नहीं देगा? कोई फल ऐसे होते हैं कोई पौधे ऐसे हैं जल्दी उग जाते हैं लेकिन अष्टदेव जो है पक्के जो सूर्य उसे उनमें भी जब बीज बोया जाता है तो तुरंत फल देगा वो। अरे कोई बताया ना कोई पौधे ऐसे होते हैं कि एक साल के अंदर ही आम देने लग पड़ते हैं और कोई ऐसे होते हैं सात साल के बाद आम देना शुरू करते हैं। लेकिन तो पक्के सूर्य उसे हैं आठ हीरे हैं हीरों को पक्का ही कहा जाएगा हीरे से ज्यादा पक्की चीज कोई होती है क्या? जो सात है बाबा उन्होंने कभी ना कभी पहले ही बीज बोया होगा जिसका फल शायद आपके पहले ही माने संगम युग में ही बीज बोया गया संगम युग के ही लेकिन अंत में नहीं अंत से पहले फाइनल रिजल्ट तब ही निकलेगा आठ नंबर तब ही बनेंगे जब वो नंबर वार नीचे गिरे नहीं तो नंबर नहीं निकलेंगे। आखिरी नीचे कौन गिरा? नहीं आखिरी पहले नंबर में नीचे गिरने वाला भी होगा दूसरे घर में कन्वर्ट होने वाला वो तो कमजोर होगा बाकी के मुकाबले जो बाद में कन्वर्ट गिरते हैं जो हाँ नहीं जो बाद जितना बाद में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा पावरफुल हुआ। हाँ उतना ज्यादा पावरफुल हाँ जी पहला जो आखिर में गिरेगा वो तो बाप ही गिरेगा ना बाप ही तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ ठीक है तो जो पहले पहले गिरते हैं वो ज्यादा कमजोर है सात में भी नंबर होते हैं आठ में भी नंबर होते हैं तो जो लास्ट में नीचे गिरेगा वो ऊंचा नंबर ले जाएगा थोड़े समय के लिए गिरेगा ना। बाबा ने बोला है कि जगन्नाथ का जो हार्ट टूटना बताया गया है आखिर की बात है वो लास्ट की जब राज करेगा खालसा होगा तो बात को छोड़ के बाबा ने बोला है बाकी के साथ जो है वो भी उनके अंडर में चले जाते खालसा के तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है क्या बाबा कि ये जो है दिखाई नहीं पड़ेगा तो गायन कैसे? बाबा ने तो बोला कि फिनिशिंग का अंतर है। हाँ फिनिशिंग का अंतर है जो जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो ही पहचानेंगी या सब पहचानेंगी? मानो फिनिशिंग का मेंटल सभी को नहीं होगा सभी को क्यों होगा जो एक्सपर्ट होंगे नॉलेज में उन्हीं को होगा। जगदम्बा से ज्यादा नॉलेज में कोई एक्सपर्ट होता है क्या? अष्टदेव आते हैं एडवांस में लेकिन शुरुआत में ही आ जाते हैं शुरुआत की हिस्ट्री का उनको ज्यादा पता है या जगदम्बा को ज्यादा पता है? अनुभव ज्यादा किसमें हुआ? जगदम्बा को हुआ। एक होती है स्पेशल याद उसको कहते हैं बीज रूप स्टेज नहीं बनती है तो अपना अपना पुरुषार्थ अलग अलग है ना अपना अपना अटैचमेंट अलग अलग है। अरे अटैचमेंट जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगेगा या दूसरा लग जाएगा? और